जय भीम जयमूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी बोरकर ने उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी का दौरा किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ताओं के लिए शनिवार को वाराणसी के जानकी नगर में मीटिंग बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो सफलतापूर्ण सम्पन्न हुआ। इस वक्त पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी बोरकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और प्रमुख अतिथि के रूप में आर के विद्यार्थी उमेश चंद गौंड, रामधारी सिंह यादव उपस्थित थे। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के वाराणसी जिलाध्यक्ष श्याम बाबू कनौजिया ने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाना ही पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाकर समाज के हितों की रक्षा करना और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाना भी पार्टी का उद्देश्य है। जब हमारी राज की पार्टी है तो जो कोई भी पार्टी जब बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए और उसमें जो जनता के जो अधिकार दिए हैं, सभी को बराबरी के अधिकार दिए हैं, वो बराबरी के अधिकार उनको जमीनी स्तर पर मिलनी चाहिए, इसी के लिए पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 70-72 साल से जो भी पार्टियाँ सत्ता में रहे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये चारों पार्टियों ने हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जिसमें ये भिन्न भिन्न जातियों को जातियाँ आती है, उन लोगों को उनके सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार है, जो भारत के संविधान में बराबरी के लिखे है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी ये बराबरी के लिखे है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो अधिकार नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि जिन लोगों के हाथ में पिछले 70-72 साल से सत्ता रही है वो ये अधिकार उनको देना नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं मानता कि उनको भारत का संविधान की समझ नहीं है, वो काफ़ी लर्नेड लोग हैं, उनको भारत के संविधान की पूर्ण समझ है, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं देते तो इसका मतलब जो सत्ता में जो लोग हैं वो बदमाश है, जनता के साथ बदमाशी कर रहे हैं, और इसलिए एक नई पार्टी की जरूरत है ताकि हम अपने समाज के लोगों को भारत के संविधान में जो उनको अधिकार दिए हैं वो उनके तक पहुँचाने का काम करेंगे, इसके लिए हमने इस पार्टी। वाराणसी में आयोजित हुए इस मीटिंग बैठक कार्यक्रम में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल और Facebook चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम जय मूल निवासी। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।